हाफिज सिंह राठी जी की हत्या करी गई है, गोलियां दागी गई हैं उन पर और उनके सहयोगी की मौत हुई है और उनके साथ जो और लोग थे वो आज बहुत ही गंभीर स्थिति के अंदर अपनी जान के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं। इसकी हम पूरी तरह से जो है इसकी निंदा करते हैं और ये बहुत ही घिनौनी हरकत जो हुई है वो इस कारण हुई है कि आज जो है कानून व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है। दिन दिहाड़े जो है लोग जो हैं गुंडे जो हैं अपना गलत वारदातों को जो है अंजाम दे रहे हैं। आज जो है जगह जगह पर जो है चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो है दुष्कर्म हो रहे हैं। सारी जगह जो है जो व्यापारी भाई हैं वो दहशत में हैं, महिलाएं दहशत में हैं। तो जब ऐसे लोगों के साथ इस तरह का जो है घटना का जो घटती है तो आप समझ सकते हैं कि आम आदमी जो है वो कितने दहशत के माहौल में। आज हरियाणा जो है ये NCERB के आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा तीसरे नंबर पर है कानून व्यवस्था खराब होने, मतलब पूरे देश के अंदर तीसरे नंबर पे। हम जो है बिहार और यूपी को भी हमने पीछे छोड़ दिया। तो आप समझ सकते हैं हालात क्या है, सरकार का काम क्या होता है कि सरकार जो चुनी हुई सरकार होती है वो एक ऐसा माहौल दे जहाँ पे आम आदमी अपना काम धंधा कर पाए और अपना जीवन अच्छी आराम से बसर कर पाए। लेकिन हालात आज ये हो रहे हैं कि सब दहशत के माहौल में जी रहे हैं। तो ये इस तरह से जो है जब हालात ये जब चरमरा जाते हैं, जब पूरी तरह से कानून व्यवस्था ठप हो जाती है, जब गुंडे जो हैं वो खुलेआम अपना वारदातों को अंजाम देते हैं। और ख़ास तौर से मैं तो कहूँगी इसमें एक चीज़ और यहाँ पर आ रही है कि जो नौजवान हमारे बच्चे जो हैं जो बेरोज़गार घूम रहे हैं वो भी जो हैं इस तरह के वो नशे नारकोटिक्स के अंदर या इस तरह की जो गलत काम है उसके अंदर जो है उनको खींच लिया जाता है और वो भी जो है फिर गलत जगह गलत चैनल्स के ऊपर चल पड़ते हैं। तो ये सारा काम जो है ये सरकार का दायित्व होता है इसको संभालना। आज ही मुद्दा अपने विधानसभा में भी उठाया, गृह मंत्री ने पिछली सरकार के भी आंकड़े पेश किए हैं। किसी भी सरकार के आप आंकड़े पेश करें, आज 10 साल से हरियाणा के अंदर BJP की सरकार और जो है पूरी तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस सरकार की है। और NCERB के जो ये जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक तो तीसरे नंबर पर हैं, इससे बढ़ के और क्या आंकड़े मिलते हैं हम। अच्छा कदम है हाई कोर्ट का नहीं, ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकारा कि ये CBI इंक्वायरी हो, क्योंकि उन्होंने स्वयं ये जब ये बात कही कि ये एक पोलिटिकल मर्डर है और जो FIR के अंदर जिनके नाम लिए गए हैं बताया गया सदन में कि वो कोई एक पार्टी विशेष से ताल्लुक रखते हैं, तो निष्पक्ष जांच हो इस बात के लिए जो है हमने CBI इंक्वायरी की बात करी और वो गृह मंत्री ने मानी, हम उसका स्वागत करें।